अम्मी, अम्मी क्या हुआ है? क्या क्या कहा मामू मानी ने? बताए तो सही अम्मी। एक ही भाई था मेरा, एक ही भाई था, आज वो भी छूट गया मुझसे। जो भाई मेरा कभी नाराज नहीं होता था, ऊंची आवाज में बात नहीं करता था मुझसे, आज क्या कुछ नहीं कहा उसने मुझे। भाई ने और भाभी ने कितनी बातें सुनाई है, और ये सब उस ज़हन की वजह से हुआ है। राफिया देखो, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और खून के रिश्ते ऐसे ही थोड़ी खत्म हो जाते हैं। उनका गुस्सा वक्ती है, बाद में उन्हें मना लेंगे हम। किस मुंह से मनाऊंगी, किस मुंह से मनाऊंगी उन्हें मैं? उनकी इज्जत अपने हाथों हम करा रही हूं। ये दुख सिर्फ एक बेटी वाला ही जान सकता है। मैं भी बेटी की माँ हूं। अल्लाह सब दिन ना दिखाए किसी बेटी वाले को। अगर सहन यहां होता तो हम उसे समझा लेते, मना लेते। उसने तो जाने से पहले बताया ही नहीं। मुझसे कह रहा था कि मैं भी शादी नहीं करना चाहता। मैं समझी वो शादी की जिम्मेदारियां उठाने से घबरा रहा है। मुझे क्या पता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। काश वही सब कुछ मुझे पहले बता देता। अब मेरा भाई क्या करेगा? खानदान वालों को क्या मुंह दिखाएगा? दो टके की इज्जत कर दी उसने मेरे भाई। बहुत गलत किया है जैन भाई, बहुत गलत किया। अम्मी 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 अलीजे का क्या होगा? वो तो बहुत प्यार करती थी जैन भाई से, वो कैसे संभालेगी खुद को? अम्मी मैं तो अब इस काबिल भी नहीं हूँ कि अपने भाई के दुख में उसके साथ खड़ी हो सकूं। मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया जैन ने। अम्मी तो क्या मामू मानी हमसे कभी कभी बात नहीं करेंगी, कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे क्या? तुम क्या जानो, जो कयामत मैं भी अपने भाई पर ढाकर आ रही हूँ, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता किसी के साथ। जो मैंने अपने भाई के साथ की। और वली से वो मासूम बच्ची किस दुख से गुजर रही होगी, सोचो जरा। मैं जरा मेहमानों के सामने अपनी बची कुची इज्जत का तमाशा बना कर आता हूं। वाह जैन, वाह, खूब निभाया है तुमने बेटा होने का हक। अम्मी चुप हो जाए प्लीज, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी अम्मी प्लीज।